व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे क्या शुभमन ने गलत किया। सेल्फिश गिल, गौतम गंभीर एरा स्टार्ट हो चुका है। पाहुल की वीडियो है, मीम से भरपूर होगी। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। यार अभी तो हमने वर्ल्ड कप जीतने के बाद ढंग से पटाखे भी नहीं फोड़े थे कि इंडिया ने एक और सीरीज जीत ली, और ये थी अपनी यंग इंडियन टीम जो सीरीज का पहला मैच तो हार गई थी लेकिन अगले 4 मैच लगातार डोमिनेट करके जीती है। इन्होंने प्रूव कर दिया ये नए लड़के आए हैं गरम खून है, एक हार का बदला बुरी तरीके से लिया 4 मैच हरा के। वैसे देखो यार, तुम जानते हो जिम्बाब्वे को हराना कोई आसान काम नहीं है, कुछ लोग तो वर्ल्ड कप में भी नहीं हरा पाते और अपने लड़कों ने तो 4 मैच लगातार हरा दिए। तो आज की इस वीडियो में अपनी इस यंग जनरेशन की इस सीरीज में परफॉर्मेंस देखेंगे और देखेंगे कौन आगे हमारे काम आ सकता है। एंड भाई, गौतम गंभीर इज द न्यू इंडियन हेड कोच, वो क्या क्या चेंजेस लाने वाला है बंदा, उसके बारे में भी बात करनी है। लेकिन आई थिंक इस सीरीज को देख के हमें इतना तो पता चल गया कि हमारी टीम में क्या प्रॉब्लम है, फेवरेटिज्म की। डेब्यू सीरीज फॉर कैप्टन शुभमन गिल, बंदे ने सीरीज जीती, सीरीज का हाईएस्ट रन स्कोरर था लेकिन फिर भी हेट। ये शुभमन गिल ने फोटो डाली थी ट्विटर पे अपनी फैमिली के साथ ट्रॉफी होल्ड करते हुए इस सीरीज की, और कमेंट्स देखोगे तो पता लग जाएगा कि लोग शुभमन को सेल्फिश गिल क्यों बुला रहे हैं। आइए एक बार समझ लेते हैं इस वीडियो से कि क्यों शुभमन गिल को इतनी हेट मिल रही है। देखो, मैंने तुम्हें सीरीज से पहले ही बोल दिया था कि शुभमन गिल को कैप्टन बनाना मुझे उतना खास डिसीजन नहीं लगा, एंड आई थिंक सबको वो चीज कहीं ना कहीं दिख गई इस सीरीज में। पहले तो मैच में शुभमन गिल की कोई खास परफॉर्मेंस थी नहीं, लेकिन थर्ड मैच में जब यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन और शिवम दुबे टीम में वापस आ जाते हैं तब एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है जिससे एक बहुत अच्छे प्लेयर की सारी परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अभिषेक शर्मा, जिसने सेकंड T20 में सेंचुरी लगाई है, उसको डिमोट कर दिया जाता है नंबर 3 पे बैटिंग करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली उसकी नॉर्मल पोजीशन नहीं है, इसलिए अगले दोनों इनिंग्स में वो फेल कर जाता है। ये तब हुआ जब उस बंदे ने ओपनिंग में सेंचुरी लगाई थी, वो भी 47 बॉल्स में। मुझे तो बहुत ही ज्यादा खराब डिसीजन लगा और वो उसकी परफॉर्मेंस में दिखी गया, उसके बाद से उससे रन ही नहीं मरे। फिर T20 आता है जहां हमने टीम की एक्चुअल इंटेंट देखी, जो कि हमने 152 का टारगेट एकदम 15 ओवर में चेस कर लिया और एक भी विकेट लूज नहीं की। इस मैच में मुजरिम शुभमन गिल पे इल्जाम नंबर 2 है कि इसने यशस्वी जायसवाल की सेंचुरी खाली। क्या शुभमन भाई, ये हार्दिक पांडे वाली लाइन में कब से आ गया? क्योंकि उस मैच में जायसवाल बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और एक पॉइंट ऐसा था जहां पे टीम को 25 रन चाहिए थे और जायसवाल को 17 चाहिए थे उसमें से सेंचुरी कंप्लीट करने के लिए, लेकिन शुभमन गिल एकदम से अग्रेसिव हो गए एंड जायसवाल को सेंचुरी नहीं मिल पाई। यार क्यों इंडियन बाबर आजम बन रहे हो, ना खुद स्कोर करूंगा ना किसी और को करने दूंगा। देखो वही बात है, एक बायलैटरल सीरीज थी और सेंचुरी मार के आई थिंक एक प्लेयर को एक अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, और अगर कोई इतना अच्छा खेल रहा था तो सेंचुरी भी डिजर्व करता ही है। आई मीन सीरियसली, एक टाइम पे धोनी और विराट वाला किस्सा वो याद आ जाता है जहां पे धोनी ने विनिंग रन भी नहीं मारे, वो भी विराट को मारनी थी क्योंकि वो डिजर्व करता था, एंड यहां पे तो माइलस्टोन्स की बात हो रही है। और तीसरा और सबसे बड़ा इल्जाम ये है मिलॉर्ड की शुभमन गिल ने 5th T20 में ऋतुराज गायकवाड़ को ही बेंच कर दिया, जो कि इस सीरीज का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था एंड प्रोबेबली द बेस्ट बैट्समैन इन दिस सीरीज। बट अगर स्टैट्स वाइज भी देखा जाए यार, तो शुभमन गिल ने 5 मैचेस खेले हैं, हाईएस्ट स्कोरर है इस सीरीज का और 170 रन बनाए हैं, लेकिन फिर आता है यशस्वी जायसवाल जिसने सिर्फ 3 ही इनिंग्स में 141 रन बना दिए, और ऋतुराज गायकवाड़ के भी 4 इनिंग्स में 133 रन थे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इन तीनों में शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट सबसे खराब। ऑब्वियसली इनके नीचे अभिषेक था, बट उसको कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी एक ही इनिंग्स थी 100 वाली, उसके अलावा वो ज्यादा कर नहीं पाया बिकॉज ऑब्वियसली उसकी पोजीशन ही चेंज कर दी। और मैं तो तुम्हें शुरू से ही बोलता आ रहा था कि मुझे इंटरेस्ट है अभिषेक और जायसवाल को साथ बैट करते हुए देखने में, वो क्या डिस्ट्रक्टिव होता भाई अलग ही लेवल पे। एंड आई थिंक एज अ सीनियर प्लेयर, मतलब इन सब में से तो शुभमन सीनियर ही है, सबसे ज्यादा मैचेस खेल चुका होगा इंडिया के लिए, तो शुभमन रेस्ट ले सकता था 50-20 के लिए और चांस दे सकता था इन दोनों को, विच इज वाई आई थिंक द गौतम गंभीर एरा विल चेंज ऑल दिस। आई रियली थिंक ये फेवरेटिज्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा, कुछ हार्श कॉल्स लेने पड़ेंगे, कभी सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे एंड प्योर मेरिट के बेसिस पे प्लेयर्स को जगह मिलनी चाहिए। देखो ऑल इन ऑल शुभमन गिल ने अपने एंड से बैटिंग अच्छी करी, बट देन अगेन आई फेल्ट कि बाकी प्लेयर ज्यादा बेटर थे। हाँ, एक चीज बढ़िया कर दी कि वो जस्टिस गैंग वालों को जस्टिस दे दी भाई ने, मतलब जब से संजू सैमसन टीम में आए तो 3 मैचेस खिलाए बंदे को। अब देखो ऑनेस्टली मुझसे पूछोगे, मैं कहीं ना कहीं इन तीनों चीजों से थोड़ा सा अग्री करता हूँ, तुम मुझे कमेंट्स बताना कि तुम्हें क्या लगता है इन पूरे इल्जामों के बारे में, असली जज तो तुम ही हो। एंड कोई नहीं, अब गौती भाई सब देख रहे हैं, एक बार वो बंदा आ गया ना फिर तुम्हें बताएगा कौन सी बैटिंग कहाँ करनी है। भूल जाओ ओपनिंग, तो वो तो कुलदीप और अक्षर करेंगे। देखो आई डोंट थिंक हमने इस बारे में अभी तक बात करी है ढंग से, बट गौतम गंभीर इज आर न्यू हेड कोच, अनाउंसमेंट्स हो चुकी है एंड राहुल द्रविड़ का टेन्योर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दैट मींस कि ट्रॉफीज की आदत डाल लो भाई। अब अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा के लिए आई थिंक ये सीरीज डिसेंट रही, स्कोर चांसेस मिलते रहने चाहिए। जायसवाल के लिए दिस सीरीज वॉज टू गुड भाई, 3 इनिंग्स में बंदे ने आके धमाल मचा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ आई थिंक वॉज द बेस्ट प्लेयर भाई, ने भले ही पूरी सीरीज में थाला को ट्रिब्यूट दिया लेकिन परफॉर्मेंसेज में कोई
कमी नहीं आई। इसने नंबर 3 और नंबर 4 दोनों पोजीशंस पे रन मार दिए एंड आई थिंक इसको एज अ T20 प्लेयर हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे वॉशिंगटन सुंदर जो इंडिया के लिए जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर थे विद 8 विकेट्स आफ्टर बीइंग अ पार्ट टाइम स्पिनर। लेकिन भाई मुकेश मैकग्रथ थे जिसने असली परफॉर्मेंस दी है। 3 मैच में 8 विकेट निकाल ली यार बंदे ने। दुबे भी आई थिंक वॉज डिसेंट, कुछ विकेट भी निकाल ली और थोड़े बहुत रन मार दिए थे। और लास्ट मैच तक आते आते तो संजू सैमसन ने भी 50 लगा के अपनी जगह फिक्स कर ली है राजस्थान रॉयल्स के अगले मैच की प्लेइंग 11 में, क्योंकि इंडिया की अगली सीरीज में तो नहीं वैसे अब कुछ नहीं कह सकते, गौतम गंभीर आ चुके हैं। आवेश खान भी काफी ज्यादा अच्छा था बॉलिंग में, लेकिन यार वॉशिंगटन सुंदर को क्या हो गया, पहले 2 मैच में विकेट निकाली, 6 विकेट हो गए, उसके बाद विकेट नहीं ली पूरे 3 मैच में। मुझे छुट्टी दे दे, मैं छुट्टी चाहता हूँ। बट आई थिंक जिस प्लेयर के बारे में हमें बात करनी चाहिए वो है रियान पराग। एटीट्यूड दिखाओ रात भर और देखो माना 2 ही मैच खेलने को मिले, लेकिन इस पूरी सीरीज में आई थिंक जिस जिसको जितने भी चांसेस मिले कुछ तो फायदा उठाया ही है सबने, एक्सेप्ट रियान पराग। इस बंदे ने परफॉर्म नहीं किया है। 22 रन 24 बॉलों में इस इंटेंट के साथ वर्ल्ड कप नहीं जा सकते भाई। जब इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई थी तो भाई ने बोला था कि मैं वर्ल्ड कप देखूंगा ही नहीं, मैं वर्ल्ड कप तक देखूंगा जब मैं वर्ल्ड कप खेल रहा। इस हिसाब से तो रियान भाई आप अगला वर्ल्ड कप भी नहीं देखने वाले, वो कुछ और चीजें देखने में बिजी हो जाते हैं। गुड ओल्ड डेज आर बैक यार, रियान पराग पे जोक्स बनाने को मिल रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आई थिंक द बिगेस्ट कोइंसिडेंस इस सीरीज में जो हुआ वो था मिस्टर तुषार देशपांडे डेब्यूइंग फॉर इंडिया। 2 दिन पहले क्रिकेट से जिमी एंडरसन द गोट द लेजेंड रिटायर हुए हैं और फिर तुषार देशपांडे ने एकदम से डेब्यू कर लिया। ग्लेन मैकग्रथ ने पहले मैच में 1 विकेट लेके 30 रन दिए थे। तुषार देशपांडे के फिगर्स देख लो। यू कांट राइट दिस स्टफ, हमारी टीम में गोट ऑलरेडी खेलने आ गए। तो ओवरऑल आई थिंक डेफिनेटली इस सीरीज से हमें कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर्स मिले हैं जो कि एक्चुअली हमारी मेन T20 स्क्वाड में आ सकते हैं, और कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो घर से मैचेस देखेंगे। बस हिस्ट्री डिलीट कर देना। अगर विकी कौशल का तौबा तौबा एंजॉय कर लिया है तो अब तैयार हो जाओ पाकिस्तानियों से तौबा तौबा सुनने के लिए। गौती भाई के आते ही न्यूज आने लगी है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में इंडिया नहीं खेलेगी। इंडिया क्या ऑस्ट्रेलिया ने भी कंसर्न दिखाई है, श्रीलंका भी इंटरेस्टेड नहीं लग रही एंड अफगानिस्तान आर बेस्ट फ्रेंड्स दे डोंट आल्सो वांट टू प्ले। गौती भाई आते ही काम शुरू कर दिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए, व्हाट यू हैव टू नहीं होना, देखिए नहीं होना चाहिए जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सही बोला खत्म नहीं होता। कोई क्रिकेट मैच कोई भी इवेंट हमारे जवानों की जिंदगी से बड़ा नहीं। मतलब ये कितने बड़े टूर्नामेंट में ये पहला होस्ट होगा जहां होस्ट का ही कोई काम नहीं होगा। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं, दूध जूता पॉलिश करना सीख। देखो मान लो कुछ चीजें इस जन्म में नहीं कंप्लीट होने वाली, एक तो ये अंबानियों की शादी जो चलती ही जा रही है और दूसरा ये पाकिस्तान वालों का सपना चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने का। बट ये बात समझ नहीं आई गौती भाई आप खुद तो आ रहे हो, ये KKR को साथ में क्यों लेके आ रहे हो। अभी कुछ भी एकदम कंफर्म नहीं है लेकिन अभिषेक नायर जो कि KKR में भी थे वो बैटिंग कोच हो सकते हैं इंडिया के। विनय कुमार, मौर्ने मोरकल, जहीर खान सबसे लिंक आ रहे हैं, ये हमारे बॉलिंग कोच हो सकते हैं। एंड अपेरेंटली गौतम गंभीर के फेवरेट प्लेयर रायन टेंडुलकर को भी इन्होंने अप्रोच कर लिया। अगला क्या भाई, ऑरेंज और ब्लू से पर्पल और गोल्ड जर्सी बनानी है क्या? नहीं इससे भी आगे अभी तो जयशाह को हटा के SRK को BCCI का प्रेसिडेंट बनाना है। गंभीर हेड कोच ये तो वो है मेरे भाई। कुछ हो ना हो गौती भाई सुनील नारायण को तो इंडियन सिटीजनशिप दिला के ही रहेंगे। एंड ऑब्वियसली जिम्बाब्वे वाली सीरीज में तो गौती भाई नहीं थे लेकिन पहली सीरीज इनकी श्रीलंका वाली होने वाली जिसमें KL राहुल कैप्टन होंगे। तो ये समझ लो ये श्रीलंका वाली सीरीज जिसमें 3 T20 या 3 ODI खेले जाएंगे वो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो गौती भाई BGT में दिखाएंगे भाई जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है इस बारी। इमेजिन भाई एक साइड पे कोहली गंभीर एक साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, हेल हेल फॉर 90 ओवर्स। वहां ऑस्ट्रेलियंस हमारे बैट्समैन को बाउंसर्स मार रहे होंगे और यहाँ गौती और विराट डगआउट में बैठ के ऑस्ट्रेलियंस को मार रहे होंगे। ये वो है, अरे भूल गया मैं इसका। पीकी ब्लाइंडर्स। बस बुरा इस बात का लगता है कि विराट भाई का सारा नाच गाना अब बंद हो जाएगा, बहुत स्ट्रिक्टनेस आ जाएगी टीम में। मेरे को तो लग रहा है विराट भाई को पहले से ही खबर थी इसीलिए शायद जाके इस IPL में हक कर ली थी, लेकिन 2 दिल्ली वाले हैं कब तक बिना गाली दिए रहेंगे। बट ठीक है भाई, ही कैन बी एंग्री, ही कैन फाइट, बट आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोचेस अभी तक T20s में, IPL में देख लो। एज अ मेंटर बंदे ने LSG को 2 साल कोच करा, दोनों बारी प्लेऑफ्स गई और जैसे ही बंदा की आ रहा है पहले ही सीजन में ट्रॉफी जिता दी। एज एन IPL कैप्टन बंदे ने 2012-2014 2 साल KKR को जिताया और 2011-2016-2017 तीनों बारी प्लेऑफ्स में भी लेके गए टीम को। इंडिया के लिए देख लो T20 वर्ल्ड कप विनर है, 2011 का वर्ल्ड कप विनर है, दोनों में क्रूशियल परफॉर्मेंसेस, वो
भी दोनों के फाइनल्स में मतलब मेंटालिटी एकदम परफेक्ट है और वही वाली है जो हमें चाहिए। आई थिंक हमारी टीम फाइनल नॉकआउट ये सब मैचेस में ही ढेर हो जाती है। ये बंदा पक्का से वो तो जरूर बदल देगा एंड आई थिंक यही चीज अब चेंज होगी कि अब मेरिट के बेसिस पे चेंजेस होंगे टीम में। तो कोई बड़ी बात नहीं तुम्हारा कोई फेवरेट प्लेयर बाहर हो जाए बट एज लॉन्ग एज इंडिया जीत रही है हम ट्रॉफीज ले आए वही मैटर करेगा। खैर आज बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत लंबी वीडियो हो गई बट आई वांट टू थैंक यू गाइस क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 900 के सब्सक्राइबर्स पे पहुंच चुके हैं। मतलब या तो अभी तक हो गए होंगे या होने वाले होंगे बट 1 मिलियन सून गाइस थैंक यू सो मच यार। लाइक पिछले एक दो हफ्ते पहले ही अभी हम लोग 7-6 लाख पे थे एंड आई डोंट नो ये कैसे हुआ बट स्टिल यार थैंक यू सो मच आई लव यू ऑल और सब्सक्राइब कर देना। मेहनत भी यार मेहनत भी है कंटेंट भी इंटरेस्टिंग बनाना और फिर क्रिकेट के ऊपर बात करना और कैसे तेरी पिटाई हो जाएगी प्यार चाटा जा रहा बैठा बैठा। भाई अगर बात करें ना इस सीरीज के बारे में सीरीज से कोई वैसे मायने नहीं थे लेकिन यहाँ पर हाँ प्लेयर्स के टेस्टिंग थी और टेस्टिंग में अगर बात करूँ तो अभिषेक शर्मा इंटेंट दिखी प्लेयर में टैलेंट भी है गजब है और उसने परफॉर्म एग्जीक्यूट भी किया वहाँ पर लेकिन बस मुझे एक दिक्कत है कि वो बंदा अगर ओपनर है तो वो फेरबदल नहीं होना चाहिए था। दूसरा शुभमन गिल खेल सकता था वन डाउन और दूसरी बात एक और आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट कि जब सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या ऋषभ पंत आ जाएंगे तो फिर से कॉम्बिनेशन बनाने में दिक्कत बहुत सारी आएंगी लेकिन अभी मैं एक्साइटेड हूँ कि गौतम गंभीर को डगआउट में देखना एज अ कोच वहां बैठे हुए एक्सप्रेशन देखना टीम को मैनेज करना श्रीलंका की सीरीज देखना एक्साइटमेंट है भैया मजे ही मजे माहौल तो अब बनेगा। और ये जो नया एरा शुरू होने वाला गौतम गंभीर का इसमें आपको एक और उभरती हुई टीम सही बनी रहे और जोशीली टीम आपको और वैसी वाली और ओवर और एक्सप्रेसिव टीम आपको देखने को मिलेगी और बाकी मजा आएगा। और शुभमन गिल थोड़ा पाकिस्तान है तो मैं पहले सोच रही थी कि श्रीलंका हाँ भी कैसे कर रही है ऐसे। शुभमन गिल के लिए मैं ये कहना चाहूंगा शुभमन गिल नो डाउट प्लेयर भाई साहब बहुत गजब प्लेयर है बस एक दो चीजें अच्छी नहीं लगी अब की बार यार वो चीज ना होती तो बेटर रहता। और यान प्रांको वाले वो भी स्टेटमेंट में कुछ भाई आप इंडिया टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंडिया टीम में कोई भी खेले वो प्लेयर इंडिया से ऊपर नहीं हो सकता ये कह देना कि मैं वर्ल्ड कप नहीं देखूंगा क्योंकि अगर ऐसे तो कितने सारे प्लेयर्स हैं शिखर धवन और कितने सारे यूजी चहल देख ले उसके बाद वो एक्सेप्टेबल नहीं है उसकी एक्साइटमेंट ही अलग रहती है हवाबाजी वाला मुझे लगता है स्टेटमेंट थी और वो चीज नहीं बोलनी चाहिए थी वो आप डिसरिस्पेक्ट क्रिकेट की नहीं कर रहे हो आप डिसरिस्पेक्ट इंडिया की कर रहे हो भारत की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो मिलते हैं वीडियो के साथ बाय टेक केयर।